अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ ये सामने MA Family Vlog इंटरफेस है, प्लीज़ इसको जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरे चैनल पे आपको फूड से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और रूटीन कोई एक्टिविटी होती तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। आज मेरा बहुत बिजी डे है तो मैंने सोचा मैं फ़ूड की वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी बनाता हूँ मगर अपनी रूटीन से रिलेटेड बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। तो आज मेरा बहुत बिजी डे है तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ आज अपना डे मैं शेयर करूँ। तो ये सुबह का टाइम था, सुबह ये पराठे बन रहे थे और ये कल कबाब की जो मैंने रेसिपी आपको दी है वो रखे हुए थे। इसके अलावा चाय और नॉर्मली मैं एक खजूर ज़रूर खाता हूँ। खजूर आप सल्लम की सुन्नत भी है, सो आप सल्लम की सुन्नत हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा सम टाइम ब्रेड और सम टाइम कभी मैं फौजी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, मगर नॉर्मली जो मेरा होता है नाश्ता वो ब्रेकफास्ट ये पराठा और टिपिकल जो पाकिस्तानी लोगों का होता है नाश्ता। यहाँ नाश्ते से रिलेटेड एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा अपने यूट्यूब फैमिली से कि नाश्ता आपकी पूरे दिन के ऊपर डिपेंड करता है, नाश्ता हमें भरपूर करना चाहिए। भले हम लंच और डिनर हम हल्का करें मगर नाश्ते के ऊपर पूरा दिन डिपेंड करता है। तो आप प्लीज़ नाश्ता ज़रूर किया करें और इससे पूरे दिन की एक्टिविटी बेस करती है इस नाश्ते पे। तो आपसे बाहर जा रहा हूँ, जाने से पहले मैं लोहे कुरानी ज़रूर देखता हूँ अल्लाह का नाम लेकर और आप सल्लम का नाम लेकर। तो मैं जा रहा हूँ कहाँ, मैं जा रहा हूँ अपना कैल्शियम का टेस्ट कराने, बोन टेस्ट कराने जिसको BDM कहते हैं। और ये शाम का वक्त था और देखें हमारा फलों का बादशाह आम आ चुका है, मगर अभी आम आपको पता बारिश नहीं है तो एहतियात करें, खाएं ज़रूर मगर उसको थोड़ा सा ठंडा करके, वॉश करके अच्छी तरीके से ठंडा करके फिर खाएं। तो ये सारे फल फ्रूट रखे हुए हैं गर्मियों के सौगात है, आड़ू है, आलूचा है, आम है, खुबानी है, तमाम चीज़ें। तो बड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम बनानाज हैं और इस तरह से हमें आउटिंग भी, और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वॉकिंग करूँ ताकि हम जितना ज़्यादा चहलकदमी करेंगे हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम गाड़ी में जाएं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा वॉकिंग करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचूँ। तो मैं जा रहा हूँ DVEGO, वहाँ से मैंने अपने आप को इनरोल कराया हुआ है। जब भी वहाँ पर BDM टेस्ट होता है कैल्शियम का टेस्ट तो वो मुझे मैसेज कर देते हैं, फिर मैं जाकर अपना टेस्ट करवाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था उससे इस दफ़ा मेरा टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। मैंने क्राइटेरिया ऑलमोस्ट मीट कर लिया है जो कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, 85% होनी चाहिए, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 75% के करीब है। तो ऑलमोस्ट आई एम नियर, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपना गोल अचीव किया कैल्शियम का। तो लास्ट टाइम मेरी 50 थी। तो आप लोग भी चाहिए कि अपने आप को भी केयर करें एक्टिविटी के साथ साथ, देखें सेहत है तो सब कुछ है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाया था DVEGO का, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है मगर जो चीज़ अच्छी होती है इंसान को उसको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। बहुत इनकी ओरिजिनल और बहुत सिस्टमेटिक इनका सिस्टम बना हुआ है। इन्होंने यहाँ कैल्शियम से रिलेटेड पम्फलेट भी दिए थे तो इसमें बहुत तफसील थी, इसको फॉलो करके हम अपनी कैल्शियम की मकदार को बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्टोर है ये। अब वापस मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और मैं बाय वॉक ही जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बेहतर होता है, इसी बहाने हम वॉक भी कर लेते हैं। तो ये शाम का टाइम था, गर्मी बहुत है तो शाम के टाइम ही बेहतर होता है कहीं बाहर जाना क्योंकि दिन में तो लू चलती है अनलेस का आपको बहुत ज़रूरी कोई काम हो। ये घर मैं आ गया हूँ, घर आकर फिर मैं दोबारा अब मुझे जाना है अपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए।
मैं जाऊंगा लेविश मैन सलून, क्योंकि देखें ये इंसान जब काम करता है तो इसका राइट होता है कि वो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी करे। तो मैं महीने में एक दफ़ा ज़रूर पर्सनल ग्रूमिंग करता हूँ। अब मैं ये पहुँच गया हूँ लेविश मैन सलून। बहुत ही अच्छा इनका फ्रेंडली माहौल है और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री। तो मैं इनकी सर्विस, अब आप देखिएगा क्या क्या मैं सर्विस इनसे ले रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। ये इनकी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा, आप देखिएगा। मैंने हेयर कटिंग करवाई है इनसे, इसके अलावा शेव बनवाई है। ये अभी शेविंग का कर रहे हैं और कटिंग का कर रहे हैं प्रोसेस। इसके अलावा मैंने इनसे वाइटनिंग मसाज लिया है, बहुत अच्छा इन्होंने वाइटनिंग मसाज मेरा किया था। ये मसाज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत इन्होंने टाइम लगाया, टाइम टेकिंग जल्दबाजी में नहीं किया, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उनकी सर्विस से। प्रोटीन इन्होंने किया है, इसके अलावा बाल को इन्होंने वॉश किया अच्छे तरीके से, प्रोटीन। इसके अलावा इन्होंने हेयर स्टाइल भी आखिर में खुद ही मेंटेन किया है। बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन हेयर स्टाइल भी कर रहे हैं। अभी मैं अपना फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको। ये रहा मेरा फाइनल लुक, और मैं आपको इसके अलावा मैं आपको फेस भी दिखाता हूँ। फोरहेड वगैरह से भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि बहुत अच्छा इन्होंने क्लींजिंग की है, बहुत अच्छा वाइटिंग फेशियल किया है। ये देख लें, ये इनके सेक्शन बने हुए हैं। इनका ये फेशियल का सर्विस का सेक्शन बना हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हेयर रूम बना हुआ है, फेशियल रूम बना हुआ है, मेकअप रूम बना हुआ है, केमिकल रूम जिसके अंदर ये बालों वगैरह को डाई वगैरह करते हैं। तो बहुत अच्छी इनकी सर्विस प्रोवाइड है। थैंक यू।
इसलिए फिर मैं सेवर्स आ गया था, क्योंकि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी हैं, जो कि अब बकरीद आ रही है, इसके लिए मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी, छोटी मोटी अभी तो फ़िलहाल चीज़ें लेनी थी जो मेरे पास नहीं थी, तो वो मैं सेवर्स आ गया था, तो यहाँ से मैं कुछ ग्रोसरी कर रहा हूँ। और आपको पता महंगाई कहाँ पहुँच गई है, थोड़ी सी भी आप चीज़ लेते हैं तो आप पैसे पता नहीं चलते, तो यहाँ कुछ चीज़ें बस मैंने ली हैं। इसके अलावा मैंने कुछ ख़ास तो यहाँ से शॉपिंग नहीं की, तो यहाँ से सेवर्स से, क्योंकि दिन भर से इतनी थकन हो गई थी सुबह से, जो मेरी रूटीन थी आज वो मैंने सब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है या मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी वीडियो में आपको चैनल के अंदर आपको फूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, दीनी इस्लामी या दुनियावी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा जो ये मेरा आज एक्टिविटी थी, कोई ख़ास एक्टिविटी होती है, मैं उसको अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करता हूँ। डेली रूटीन के अंदर तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मगर कोई ख़ास इवेंट होता है या कोई चीज़ होती है तो वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो ये बस मैंने ग्रोसरी कर ली थी, और ग्रोसरी करके अब मैं वापस जा रहा था बिलिंग करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस चैनल के अंदर फूड से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और ये जो कोई ख़ास एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड आपको एक अच्छी वीडियो मिलेंगी और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो आप भी अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, जान और माल में, औलाद में खूब तरक्की अता फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को भी आप प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, बहुत ज़्यादा बिजी डे था, तो आज मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये एक्टिविटी भी शेयर कर ली है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।